द्वारा ये उनकी विरासत में मिली हुई है धरोहर। तो हनुमान जी की मन्नत करने के बाद उनको लड़का हूँ। हर साल में हमारे हनुमान जी का नाम से मेलो लगे हैं और आसपास का कम से कम 60 गांव का यह मेलो देखवाना आए हैं। सामाजिक स्तर पर राजनीति को लाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं इस चीज को सही नहीं समझ पाऊँ। शेर की गेर तो आपने नरी जगह देखी होगी, दूजा भी चैनल वाला दिखाएगा। अपने तो दर्शक भी कामड़ा में जो तो अपन आई गया कामड़ा में, अपन आया हाँ घटिया बेल्ट का मालीखेड़ी गांव में। या मालीखेड़ी गांव में रंग पंचमी को अच्छो जबरो मेलो भरा है। इसका अलावा रामजी दातार की अभी सवारी का आपने दर्शन पाया, हनुमान जी महाराज का आपने दर्शन पाया। जिनने आयोजन सजायो है विनसे भी अपन बात करेंगे। इसका साथ ही अपन चुनाव की बात करेंगे और धार्मिक आयोजन की बात करेंगे। आपके सबके जय रघुनाथ जी की। जय रघुनाथ जी। बारो आपसे ये सवाल था, जो अभी अपना दर्शकों ने सब मेलो देखो, मेलो है, मंदिर का दर्शन है, सवारी है राम जी महाराज की, कितना साल से चली आ रही है परंपरा? ये 100 वर्ष से ऊपर हो गए और इसका हम सेवा के रूप में इसका निर्वहन कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा ये उनकी विरासत में मिली हुई है धरोहर, तो सभी गांव में मिलकर हनुमान जी का नाम से। अच्छा दादा साहब, ऐसा कुछ ध्यान आए कि या शुरुआत कहाँ से हुई कि कोई अपना कलेक्टर बताता है? यहाँ पे कलेक्टर द्वारा कलेक्टर से, तो कलेक्टर का यहाँ पे बच्चा बच्ची भी हुआ, तो हनुमान जी की मन्नत करने के बाद उनको लड़का हुआ, तो उनकी तरफ से यहाँ मेला डलवाया गया। रंग पंचमी के दिन उनका बालक हुआ तो रंग पंचमी का मेला डलवाया गया और जब से गांव वाले के सहयोग से अभी तक चला आ रहा है, पहले की सुनने में ये आई। अच्छा आखा जिला का लोग अपना चैनल देखे भी यू भी जानना चाहे कि कितना दिन को मेलो रहे और कितना गांव का आसपास का लोग यहाँ आए। अरे यहाँ से कम 25 गांव का लोग आ गए हैं मेला में, तो कम से कम 100 साल से भी हमारी 80 साल की उम्र जब को देखी है मेलो तो लगी रही है, माला में नहीं घट को लगी है। पिता जी बता रहे हैं मतलब 100 वर्षों पहले कम से कम 2 सदी तो वही वर्ष। अच्छा एक तो यहाँ मेला की मेलो एक खासियत है रंगपंचमी को मेलो मालीखेड़ी की, इसका अलावा धार्मिक लिहाज से एक मंदिर है बड़ो जो पुरानो मंदिर है, दास साहब ने बताया सही, और कई खासियत है मालीखेड़ी गांव की धार्मिक लिहाज। ये सबसे बड़ी खासियत तो हमारे हनुमान जी का दरबार है, बहुत चैतन्य है बाबा और आसपास के मान करते हैं क्योंकि उनके यहाँ हनुमान जी नहीं है। और मैंने देखा है मेरे जीवन में 40 साल में कि आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ हनुमान जी को मानते हैं। अखंड हिंदू सेना वाला अतुलेशानंद जी महाराज के तो आप सब जानो सही, विनकी टीम का भी एक सदस्य भैया अपना साथे है, इनसे बात करा। अभी ये कह रहा है कि आचार्य शेखर जी मूल नाम उनका अतुलेशानंद जी महाराज है, आचार्य शेखर जी का नाम से अपन जाना। आपके जय रघुनाथ जी की। जय रघुनाथ जी की सभी के। अभी सबने देखियो आपने स्वागत करियो, आपकी पूरी टीम आपकी लगी रही, कई महत्व है ये रैली को आज का दिन। वो यो छे के हर साल में हमारे हनुमान जी का नाम से मेलो लगे है और आसपास का कम से कम 60 गांव का यह मेलो देखवाना आए है और हम तो युद्ध भाग्यशाली हैं कि हनुमान जी का नाम से हमारे यहाँ मेलो लगता हुई है। या तो हुई सब धार्मिक बात और यहाँ का आयोजन की बात, चुनाव का माहौल चली रही हो तो लगे हाथ एक दो सवाल चुनाव से जुड़े कर ही ला। दसअप एक का आपसे सवाल तो, चूँकि यह धार्मिक आयोजन अपनी जगह चुनाव का माहौल, लोकसभा चुनाव का माहौल भी चल रही हुई, मालीखेड़ी गाँव को मूड कहीं कही रही मालीखेड़ी को मूड तो जो है वही रहेगा और अच्छा है, धर्म की वो काम होना चाहिए, धर्म की बात कर रहे हैं लोग। अब मैं अकेला अलग जाऊँ तो बात नहीं कर, जो है सो है से मतलब जो है वही मतलब जो है वो है भारतीय जनता पार्टी का है। मैं तो देखो भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। देखो भाई साहब, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ इसलिए लोग मेरे ऊपर ही आके विश्वास करते हैं। मेरे भाई बंधु, मैं अभी तक कोई पार्टी की बात नहीं करी, ये भाई लोग खड़े हैं हमारे इनके पीछे। साहब अनिल फिरोजिया जी को काम कैसो कही? जो बढ़िया है, बढ़िया अच्छो काम है, अच्छो काम करे हुआ। कांग्रेस आड़ी से महेश परमार जी भी चुनाव लड़ी रहा है विन। अभी कांग्रेस को तो नाम खत्म है और अभी तो बीजेपी चली रही है, नहीं होकर तो मोदी जी है जिंदाबाद बस, वो बाहर है बाकी सब फेल। राम मंदिर की बात चली रही थी, अपन भी राम जी की सवारी की बात कर रहे हैं। राम जी का मंदिर जो अयोध्या वालों धाम है, इतने अच्छा काम है राम जी का काम है, पर ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, एक सामाजिक कार्यक्रम है। सामाजिक स्तर पे राजनीति को लाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं इस चीज़ को सही नहीं समझ पाऊँ। आज का कार्यक्रम हमारा धार्मिक है तो हम इसको हर उल्लास के साथ मनाएं, ऐसे मेरी अपेक्षा है आपसे। ये तो सब मालीखेड़ी गांव का हमारा भाई बहन, इनकी बात आपने सुनी, मेलो देखो, आपने जबरी व्यवस्था देखी। आपके कभी आयोजन जचे हुए कमेंट में जय रघुनाथ जी के लिखो, बिल्कुल भी मत भूल जाओ।